भारतीय कुश्ती महासंघ नया अखाड़ा बन गया है। इसके केंद्र में है महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह और देश के करीब 30 नामी पहलवान। जंतर मंतर पर धरना दे रहे पहलवानों ने ब्रजभूषण शरण सिंह और कुछ कोच पर महिला रेसलर्स के साथ यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं। धरना देने वाले पहलवानों में बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, सरिता मोर और सुमित मलिक जैसे बड़े नाम शामिल हैं, जिन्होंने समय समय पर ओलंपिक से लेकर कॉमनवेल्थ गेम्स तक कुश्ती की कई वैश्विक प्रतियोगिताओं में मेडल जिताकर देश का गौरव और मान बढ़ाया है। लेकिन ये पहली बार नहीं है जब बाहुबली ब्रजभूषण शरण सिंह चर्चा या विवादों में हैं। इससे पहले वे मंच पर एक पहलवान को थप्पड़ जड़ चुके हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने पार्टी लाइन से हटकर राज ठाकरे के खिलाफ मोर्चा भी खोल दिया था। तो चलिए आज जानते हैं ब्रजभूषण शरण सिंह कौन है, जो 11 साल से भारतीय कुश्ती महासंघ की कुर्सी पर कब्जा जमाए बैठे हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष हैं। वे केसरगंज लोकसभा सीट से सांसद हैं। 6 बार के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह को सिर्फ राजनीति का माहिर खिलाड़ी ही नहीं माना जाता, बल्कि कुश्ती पहलवानी भी उनका शौक रहा है। ब्रजभूषण सिंह 2011 से भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बने हुए हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह यूपी के गोंडा जिले के विष्णोहर गांव के रहने वाले हैं। बचपन और युवावस्था में उन्होंने कुश्ती में खूब हाथ आजमाया था। इसके बाद उन्होंने 1980 के दशक में छात्र राजनीति की शुरुआत की। वे 1988 में बीजेपी में शामिल हुए। जब राम मंदिर को लेकर आंदोलन हुआ तो उनकी उग्र हिंदुत्व की छवि ने उन्हें क्षेत्र में लोकप्रिय बना दिया। ब्रजभूषण पहली बार 1991 में चुनाव लड़े थे। उसके बाद राजनीतिक रूप से उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 2009 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने समाजवादी पार्टी के टिकट पर कैसरगंज सीट से जीत दर्ज की। उसके बाद फिर सपा से उनकी राहें अलग हो गई। 2014 चुनाव से पहले ब्रजभूषण फिर बीजेपी में शामिल हो गए। 2014 और 2019 में वे बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े और लोकसभा पहुंचे। ब्रजभूषण शरण सिंह अयोध्या में विवादित ढांचे को गिराने के मामले में भी आरोपी बनाए गए थे, लेकिन बाद में कोर्ट ने उनको बरी कर दिया। दरअसल आडवाणी समेत जिन 40 नेताओं पर आरोप तय किए गए थे, ब्रजभूषण शरण उनमें से एक थे, जिन्हें 2020 में बरी कर दिया गया था। ब्रजभूषण अपने अखड़, अलग अंदाज और अपनी बेबाकी बयानबाजी के लिए भी जाने जाते हैं। इसी बयानबाजी की वजह से विवादों में भी रहते हैं। पिछले साल जब राज ठाकरे ने अयोध्या के दौरे का ऐलान किया था, उसके बाद ब्रजभूषण ने पार्टी स्टैंड से अलग राज ठाकरे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। यहां तक कि अयोध्या के सांसद लल्लू सिंह ने कहा था कि राज ठाकरे का अयोध्या में स्वागत है, पर ब्रजभूषण ने ऐलान कर दिया था कि राज ठाकरे को अयोध्या में घुसने नहीं देंगे। हाल ही में बाबा रामदेव के खिलाफ भी ब्रजभूषण ने मोर्चा खोला था। इसके बाद पतंजलि की ओर से ब्रजभूषण शरण सिंह को नोटिस भेजा गया था। रांची में अंडर 15 नेशनल कुश्ती चैंपियनशिप में WFI अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह ने एक पहलवान को मंच पर थप्पड़ जड़ दिया था। दरअसल ये प्रतियोगिता अंडर 15 आयु वर्ग के लिए आयोजित की गई थी और जिस युवा पहलवान को थप्पड़ खाना पड़ा उसकी उम्र ज्यादा थी। युवा पहलवान का संबंध यूपी से था। जब उम्र वेरिफिकेशन में वो 15 से ज्यादा का निकला तो उसे तकनीकी पदाधिकारियों ने डिस्क्वालीफाई कर दिया। उसके बाद वह पहलवान अतिथियों के मंच पर ये सोचकर चढ़ गया कि शायद यहां विनती करने से उसका काम बन जाएगा। हालांकि मंच पे जाकर वो जिरह करने लगा और बहस बढ़ती ही गई। उसी मंच पे भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष भी बैठे थे। उन्होंने अपना आपा खोते हुए पहलवान पर हाथ छोड़ दिया। तो ये था महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह का विवादित राजनीतिक दौर। अब देखना होगा कैसे और कब ये मामला पूरी तरह से खुलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, VDTV भारत।